दोस्तों स्वागत है आपका। तो सुप्रीम कोर्ट तक जो मैटर पहुंचा था 69,000 शिक्षक भर्ती का, अब आपको बता दें कि जो लिस्ट वाला मैटर था वो हाई कोर्ट के डबल बेंच तक पहुंचा, जहां पर डबल बेंच ने फिर से गुणांक बनाने के लिए कहा है। अब हाई कोर्ट के आदेश पर नया लिस्ट बन रहा है गुणांक के आधार पर। कैसे बनेगा देखिए, लिस्ट की ऐसी खासियत है, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषद प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक के चयन नियुक्ति के अंतिम चयन लिस्ट है ये। तो ये देखिए अंतिम चयन लिस्ट है, आपको बता दें, देखिए क्रमांक संख्या, यहाँ आवेदन संख्या, यहाँ अनुक्रमांक, यहाँ जन्म तिथि, यहाँ अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पिता का नाम, यहाँ आवंटित जनपद का नाम, ये उपवर्ग है, ये वर्ग है, और ये देखिए गुणांक है। यहाँ पर देखिए गुणांक है, ये देखिए पहला गुणांक कितना चला गया था जब अंतिम चयन लिस्ट जारी की गई थी, जो कि कोर्ट के आदेश पर फिर से भी बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला गुणांक जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो जनरल कैंडिडेट हैं। आपको बता दें ओवरलैपिंग ना करने के कारण ये पूरा विवाद हो गया है। जैसे ओबीसी के ये कैंडिडेट जनरल में आ गए हैं तो इन्हें जनरल माना जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। इनका आवंटित जनपद था प्रयागराज। तो आवेदन देख लीजिए, क्रमांक अनुक्रमांक हो गया, जन्म तिथि हो गया। तो ये जो अभ्यर्थी हैं, ये जो शिक्षक हैं, ये हैं शिक्षा मित्र, क्योंकि गुणांक देखिए 100 में कितना चला गया, 100 में चला गया है इनका 106.33, यानी 100 से ज़्यादा गुणांक गया है। ये सोचेंगे क्यों गया है, तो आपको बता दें कि शिक्षा मित्र को वेटेज मिला था, तो वही वेटेज जोड़ने के बाद इनका अंक बढ़ के ज़्यादा चला गया है जो वेटेज मिला था। तो ओबीसी कैंडिडेट हैं आशा देवी, 106 गुणांक गया है। दूसरे पे भी देखिए जो कैंडिडेट हैं ओबीसी, 105.44 गुणांक गया है। तीसरे पे भी ओबीसी 104.42 गया है। अब यहाँ पे चौथे पे देखिए जनरल कैंडिडेट हैं 103.68। तो अभी देखते रहेंगे आप गुणांक, कुल 1940 पेज की पीडीएफ है 69,000 शिक्षक भर्ती का। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का ये जो कुल पीडीएफ है 1940 शिक्षक भर्ती, जो परीक्षा आयोजन हुआ था वो 6 जनवरी 2019 को हुआ था, विज्ञापन आया था दिसंबर 18 में, एक महीने के अंदर ही एग्ज़ाम करा लिया गया था। इसके बाद यहाँ पे विवाद चलता गया और जनरल की वो ज़्यादा सीटें दिए गए हैं ये सब कहा गया ओबीसी के द्वारा। बाद में कोर्ट ने भी ओबीसी आरक्षण फिर से पूरी तरह लगा करके नई लिस्ट जारी करने को कहा गया है। इसमें ये भी कहा गया जो लोग बाहर होंगे उन्हें बाहर करिए, लेकिन उन्हें सत्र समाप्ति के बाद करना होगा। लेकिन सरकार न्यूमेरिक यानी सुपर न्यूमेरिक पद है उसे जोड़ करके अब एक ये चांस देगी कि जो लोग बाहर हो रहे हैं जनरल कैंडिडेट 6 से 7 हज़ार और कुछ लोग कह रहे हैं 22,000 तक है, तो उनको जो बाहर होने से रोकने के लिए सरकार न्यूमेरिक पद लाएगी जिससे भी बाहर ना हो। यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी 160 पर चल रहा है 96.08। अब ये पूरा टोटल अब देखेंगे, गुणांक सही जारी किया गया है। 206 पे देखिए 95.42 ओबीसी का चल रहा है, जबकि 220 पे देखेंगे तो 95.30 चल रहा है। यह है 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट। आपको बता दें कि यही लिस्ट गुणांक सही जारी किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं जो 1940 पेज का पीडीएफ है, इसमें 69,000 अभ्यर्थियों की ये पूरी श्रृंखला है। आपको पूरा नीचे का दिखा देते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, ये देखिए 67,867। 69,000 में कितना लोग चयन हुए हैं, 67,867 लोग। अंतिम चयनित व्यक्ति कौन है, तो ये हैं सत्य प्रकाश पांडे, ये हैं राम प्रकाश पांडे पिताजी का नाम, उन्नाव के हैं, जनरल के हैं, एक्स आर्मी सर्विस स्टाफ। कितने पे चयन हुआ है इनका, 55.39 जनरल कैटेगरी दिव्यांग कोटा। तो ये देखिए नीचे के गुणांक है, नीचे के गुणांक भी देख लीजिए जहाँ जहाँ पे लिखा गया है, ये पूरी लिस्ट की रूपरेखा है। ऊपर जनरल ओबीसी एससी एसटी की देखिए, यहाँ पे कुछ जो सीटें खाली गई थी बाद में एससी से भरा गया था, देखिए एसटी कैंडिडेट चयनित हैं यहाँ। यहाँ पे देखिए
क्रमांक है सीट का, अंक क्रमांक है, आवेदन संख्या है, डेट ऑफ बर्थ है, इसके बाद है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन। उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती, 67582 पे कट ऑफ है 60.31, कैटेगरी है जनरल, एक्स सर्विस मैन। आपको बता दें काफ़ी विवाद हुआ था एक अंक को लेकर, भी कोर्ट में गए थे, अभी उन लोग का कोर्ट से ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, जिसमें कोर्ट ने आदेश भी दे दिया था एक क्वेश्चन को विवाद को लेकर के। बाद में यहाँ पे जो कोर्ट में मुकदमा चला, पहले पिछड़ा वर्ग आयोग ने काउंसलिंग के समय रोक लगाया था, बाद में यहाँ पे काउंसलिंग तो हो गई, लेकिन इसके बाद भी अभ्यर्थी कोर्ट में लड़ते रहे, और जब सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच गए तो वहाँ पे सरकार को ये कहा गया कि आप विभाग को आदेश दीजिए, फिर से पूरी लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनने के बाद फिर से पूरा आरक्षण लगाया जाएगा, 27% OBC, 21% जो SC ST और 36,000 आरक्षण, उसके बाद लिस्ट जारी किया जाए। सरकार ने से ये भी कहा गया कि जो लोग प्रभावित होंगे लिस्ट में, क्योंकि जनरल के कैंडिडेट ही बाहर होंगे जैसे कि कहा जा रहा है, लेकिन सरकार सुपर न्यूमेरिक पद ला करके बाहर नहीं आने देगी, जो बाहर हो रहे हैं उन्हें उसमें एडजस्ट करेगी और बाकी को उसमें जगह देगी। तो सरकार की बैठक लगातार जारी है, यहाँ पर SC कैटेगरी 110.19 पर चयनित है, इस सभी लिस्ट को जोड़ करके बताया जा रहा है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी कैंडिडेट का लिस्ट जोड़ा गया है, क्योंकि दो पार्टी में हुआ था 31,000, इसके बाद फिर एक हुआ था। 69,000 शिक्षक भर्ती जो काफ़ी विवादों में घिरा हुआ था, पेपर आउट से लेकर के ना जाने कितने आरोप लगे, लेकिन अभी तक ही 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर समाप्त तो नहीं हुआ है। अभी 3 महीने का समय कोर्ट के द्वारा दिया गया है, SC कैटेगरी 61.32 पे, नीचे SC हैं, OBC के देखिए जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं 61.33 पे चयनित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कैटेगरी यानी 6,000 आरक्षण भी लगा है। बात करें अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट की, तो अब SC ST की जो सीट थी वो तो इसी में चले गए, अब OBC और SC के कैंडिडेट की सीटें बढ़ेंगी इसमें, यानी कि नियुक्ति और मिलेगी। जो 6800 की लिस्ट थी वो तो रद्द कर दिया गया था। अतुल कुमार कुशीनगर SC कैटेगरी 61.48 चयनित हैं। एक सर्विसमैन का ही है। ₹58,000 पे देखिए 9 SC 64.74 गुणांक, जबकि गोंडा के जनरल है 64.73 पे, लेकिन एक्स सर्विसमैन आर्मी स्टाफ, ये अभी नीचे जितना भी है SC कैटेगरी और दिव्यांग कैटेगरी का चल रहा है। अब SC कैटेगरी 64.88 पे है, यहाँ पे SC कैटेगरी का 64.92 है, और अगर ऊपर देखें थोड़े से ऊपर जाने पे देखें यहाँ पे लगेगा SC कैटेगरी 64.95। गाजीपुर में देखें यहाँ पे अगर देखें सीट नंबर 58,272 पे SC कैटेगरी 64.97, तो लिस्ट को अगर ले चलें 1100 पेज पे, तो यहाँ पे जनरल OBC कैंडिडेट आ जाएंगे। थोड़ा सा और नीचे अगर जाएंगे 1500 पे, तो देखिए SC कैटेगरी अभी भी चल रही थी लगभग 55,000, यानी कि SC यहीं से OBC चालू हो जाता है 55,000 पे। अब देखिए OBC 66.75, अब देखिए यहाँ पे SC कैटेगरी चयनित हुए हैं OBC के बीच में 66.76, और यहाँ पे देखिए SC कैटेगरी 66.77, जनरल कैटेगरी यहाँ पे 66.77। 1200 पेज पे आ गए हैं, कुल 42,872 सीट पे जो है नंबर पे यहाँ पे चयनित हुए हैं फिरोजाबाद के OBC में 68.18। देखिए बात करें अगर यही जनरल कैटेगरी 68.21 पर चयन हुआ है 42,672 पे,
यहाँ पे देखिए ओबीसी के 8.22 पे चयन हुआ है। यहाँ पे देखिए सुल्तानपुर के हैं हरी राम यादव जी, 8.23 पे चयनित हुए हैं। 27,436 क्रमांक पे देखें अगर हेमा जायसवाल ओबीसी 70.38 पे चयनित हुए हैं। अभी ऊपर के जो देखेंगे तो ये 70 पे चल रहे हैं ओबीसी कैंडिडेट। 361 पे आ गए मान लीजिए 12,597 पे, तो यहाँ पे देखा जाए ओबीसी 74.50 यानी सबसे हाई गुणांक जो ऊपर ही था, जिससे शिक्षा मित्र के जो लोग चयनित हुए थे 90-97 कटाप लगने के बाद। पीडीएफ आप वेबसाइट पे जाके लोड कर सकते हैं पीएनपी के वेबसाइट पे। 12,180 पे देखिए ओबीसी 74.71, जितने ऊपर जाएंगे कटाव बढ़ता ही जाएगा। 106 से कटाव देखिए शुरू हुआ था, अगर आप मान लीजिए धीरे धीरे जाते हैं तो नीचे यहाँ पे बहुत हो गया 82 आया है, 73 आया है। देखिए ओबीसी जनरल दोनों लोग यहाँ पे देखिए ओबीसी, इसमें देखिए ये कैटेगरी वाइज नहीं बनाया है, जो जैसे आ रहा है जिसका गुणांक जितना है चाहे किसी भी कैटेगरी को पहले सीरियल सेट कर दिया गया है। बाद में ओलंपिक ना होने के कारण ये बवाल मचा। अब सरकार ये कह रही है कि हम सुपर न्यूमेरिक पोस्ट जोड़ करके जनरल कैंडिडेट जो बाहर होंगे उन्हें एडजस्ट करेंगे और ओबीसी के पूरा कोटा फुल करेंगे। 894 पीडीएफ नंबर पे 31,280 सीट पे देखें जनरल 69.74 पे चयन है। यहाँ देखिए पीडीएफ में सिर्फ एक ही कमी थी कि ये 36 आरक्षण लगा जैसे सही, लेकिन ऊर्ध्वाधर आरक्षण सही नहीं ले पाया। अगर देखेंगे सभी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग लिस्ट भी हैं। ओबीसी कटा 69.66 चल रहा है 31,000 पे सीट पे। प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2018 के बाद से नहीं आया है, 69,000 के बाद से, जिसका पेपर 6 जनवरी को हो गया था जल्दबाजी में, एक महीना के अंदर 15 सब्जेक्टों का। काफ़ी आरोप लगे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं था उसमें। अब लगभग 6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती कि किसी तरह से प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ जाए। काफ़ी विवाद हुआ, बीएड बाहर भी हुआ, बीटीसी वाले वैकेंसी के लिए लगातार प्रदर्शन भी किए हैं। जब वहाँ पे पहले शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने कहा भी था कि मेरे पास 52,000 सीट है, हम लोग शिक्षा मित्र को एक बार और चांस देंगे, लेकिन तब से उन्हें कोई चांस नहीं दिया गया, जिसकी नाराज़गी उन्हें आज भी है शिक्षा मित्रों को, क्योंकि 10,000 पे मेरे काम करते हैं। यहाँ पे देखिए 32,205 तो रश्मि गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता। यहाँ पे देखिए ओबीसी 69.59, एक 22-92 उमा तिवारी 69.56। देखिए एक एक कठे एक एक गुणांक पे कितने कितने व्यक्ति हैं, सिर्फ एक ही गुणांक पे देखिए 69.59 पीडीएफ यही चल रहा है। इसमें ही सभी जनरल ओबीसी हैं, एससी हैं। अजय सिंह जनरल 69.57, पॉइंट टू पॉइंट घटा देखिए 69.56 आ गया, इसके नीचे 69,055 आ गया। एक ही पॉइंट की मार है, सोचिए एक एक पॉइंट पे क्या पोजीशन है 69,000 शिक्षक भर्ती की।
एक एक पॉइंट। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें कई लोग ऐसे भी थे जो कुछ गुणांक गलत भरने के कारण बाहर हो गए, ने संशोधन का मौका नहीं दिया गया। काफ़ी प्रदर्शन हुआ था, आपको बता दें कि काफ़ी हाई गुणांक थे, उन लोगों को किसी भी तरह से मौका नहीं दिया गया, जबकि उन लोग बार बार कह रहे थे कि आप लोग सही गुणांक जोड़ करके जो भी हो आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में फॉर्म भरते समय कई साइबर वाले गुणांक गलत भर दिए थे इंटर हाई स्कूल या बीए, तो उसमें काफ़ी लोग बाहर हो गए थे। वो लोग पास होने के बाद भी जॉब से बाहर हैं। 22,000 शिक्षक को लेकर के लखनऊ में बहुत दिन धरना हुआ था, बाद में 6800 की लिस्ट आई थी। 6800 की लिस्ट पहले बेंच से, फिर यहाँ पे देखिए सेकंड बेंच से लग दूंगा। अब ये लिस्ट 3 महीने के अंदर बना के मांगा गया है। इसी लिस्ट को देने के बाद सरकार सुप्रीम हाईकोर्ट के आदेश पे डबल बेंच के नई लिस्ट जो जारी होगी उसी के अनुसार नियुक्ति करेगी। जो बाहर होंगे सरकार न्यूमेरिक पोस्ट ला करके अंदर करेगी। यहाँ जनरल 67.61। अब यहाँ से देखिए जनरल की मेरिट कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहीं से उनके गुणांक में गिरावट आएगा। फिर यहाँ पे ओबीसी और एससी कैंडिडेट होंगे, सिर्फ बाकी जो जनरल होंगे वो अपने छठे राज्य दिव्यांग कोटा वाले होंगे। कुल 1940 यानी 1940 पेज का पीडीएफ ये पीएनपी के द्वारा तैयार किया गया था। विवाद उसे घिरी 69,000 शिक्षक भर्ती गई। कोर्ट में काफ़ी दिन तक विवाद चला, पहले क्वेश्चन को लेकर विवाद चला, बीटीसी बनाओ शिक्षा मित्र का विवाद चला और कटाफ को लेकर विवाद चला। पाँच सौ 16 नंबर पीरियड, 18,056 सीरियल क्रमांक, सुजीत कुमार ओबीसी 72.48, एक गुणांक गिरने के बाद 72.47, फिर एक गुणांक गिरा पॉइंट में, गुणांक नहीं बल्कि पॉइंट गिरा 4.6 आया। यहाँ फ्रीडम फाइटर देखिए डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन इनकी मेरी काफ़ी अच्छी है। प्रयाग प्रतापगढ़ पा गए हैं संजय कुमार उपाध्याय जी हैं, और ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटल पीडीएफ 67,867 से लेकर मांग पर कुल 1900 पीडीएफ में ये बना है। गुंडा के सी 1.31 पे छाछठ 156 पे 1.52 कटाव एससी कटेगी। बहत्तर हज़ार के बाद दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, जिसमें बीएड को भी मौका मिला था, यही है लखीमपुर खीरी 1774 एससी कैटेगरी का गुणांक। यहाँ पीलीभीत एससी 1.83।
यही था आज का पीरियड। धन्यवाद, नमस्कार।